सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में बात करने वाले हैं आदि पुरुष मूवी की, बिकॉज जब से भाई इस मूवी के टीजर को रिलीज करा गया उसके बाद से मूवी कंट्रोवर्सी में फंस चुकी है। काफी सारी इंप्रूवमेंट इस मूवी की भाई अभी रिसेंटली टीजर के बाद हुई है, तो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। बिकॉज रिसेंटली कुछ अपडेट ऐसी भी आ रही है कि मूवी बैन भी हो सकती है, तो क्या सही में मूवी बैन होगी, मेकर्स की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया, सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो भाई, आदि पुरुष नो डाउट एक ऐसी मूवी थी जिसका भाई ऑल ओवर इंडिया में सारी ऑडियंस वेट कर रही थी, एंड यही रीजन था कि जब इसके टीजर को रिलीज करा गया तो भाई बहुत सारी ऑडियंस मेजॉरिटी पोर्शन में इस मूवी से डिसअपॉइंट हुई थी। या देखो, इसका रीजन एक वीएफएक्स और सीजीआई था ही, लेकिन उसी के साथ ही जिस तरीके से इसके अंदर कैरेक्टर्स को लाइक दिखाया गया है वो कहीं से भी मैच नहीं करता है अपने भाई इंडियन हिस्ट्री से। क्योंकि अगर आप लोगों ने रामायण पढ़ रखी होगी या फिर आप लोगों ने अगर पुराने शोज भी देखे हैं, तो उसमें भाई जिस तरीके से लॉर्ड रामा को प्रेजेंट करा गया या फिर भाई सीता माता को प्रेजेंट करा गया, वैसा कुछ भी आप लोग को इस मूवी में देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पे भाई रावण को तो पता नहीं किस तरीके का एक हेयर स्टाइल दे दिया गया है। तो सब भाई देखने के बाद जाहिर सी बात है जो ऑडियंस है प्लस जो फैंस लोग जो कि इस मूवी का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो लोग तो भाई चुप बैठने वाले थे नहीं। इसी वजह से आप लोगों को ट्विटर के ऊपर भाई आदि पुरुष का हर दिन कोई ना कोई भाई ट्रेंड देखने को मिल जाता है, जहाँ पे लोग बायकॉट कर रहे हैं इस मूवी को या फिर लोग भाई टी सीरीज को बोल रहे हैं कि आप लोग इस मूवी के अंदर जो भी कर रहे हो उसको चेंज करके स्टोरी उस तरीके से दिखाओ जैसी ऑडियंस चाह रही थी। एंड इसी वजह से अभी करंटली इस मूवी को बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा है। अब देखो, यहाँ तक जो इस मूवी को बैकलैश मिल रहा था भाई डायरेक्टर्स या फिर मेकर्स किसी तरीके से झेल लेते हैं एंड आगे चल के कुछ ना कुछ इंप्रूव कर लेते हैं। बिकॉज फैंस लोग आप लोग को पता है कि कोई भी मूवी अगर उनको पसंद नहीं आती तो लोग ट्विटर पर ट्रेंड करा देते हैं। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग भाई उनकी बात को सुनने की भी कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे ये जो मूवी है वो जिस टॉपिक पर बन रही है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। बिकॉज आप लोग को पता है कि लॉर्ड रामा के ऊपर अभी पास्ट में एक एनिमे भी बना था जिसको जापान एंड इंडिया ने बनाया था, एंड उसको 90s के टाइम पे इंडिया में भी रिलीज होना था, बट उसको इंडिया में इस वजह से रिलीज नहीं होने दिया गया था क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि क्या पता जापानीज वालों ने इसमें अच्छे से रामायण को प्रेजेंट करा या फिर नहीं करा। तो भाई अगर उस टाइम पे उस मूवी को बैन किया जा सकता था एंड बाद में उसको भाई कार्टून नेटवर्क या फिर जो भी लाइक किड्स वाले चैनल थे उस पर रिलीज करा गया था, तो वही सेम केस आप लोग को आदि पुरुष मूवी के साथ भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी काफी सारे न्यूज चैनल पर डिबेट स्टार्ट हो गई कि इस मूवी को रिलीज होने देना चाहिए या फिर नहीं होने देना चाहिए, जहां पे लोगों का यही मानना है कि इस मूवी को थिएटर में नहीं रिलीज करना चाहिए बिकॉज इसके अंदर बेसिक्स ही रामायण के गलत दिखाए हैं। अब देखो, अगर ये कोई फिक्शनल मूवी होती, अगर इसका रामायण से कोई भी नाता ना होता, देन लोगों के बीच में थोड़ा बहुत ये भी चल जाता। लेकिन यहाँ पे अगर आप रामायण का एक पार्ट दिखा रहे हो एंड वहाँ पे राम जी के कैरेक्टर को, सीता माता के कैरेक्टर को, इनफैक्ट रावण प्लस हनुमान जी के कैरेक्टर को अच्छे से आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, उनके बेसिक से आप लोगों ने गलत कर रखे हैं, तो आप किस तरीके से उसको सुधारोगे? क्योंकि वो तो भाई शूट हो चुका है, तो अगर पूरी मूवी शूट हो चुकी है तो उसको अगर ये लोग रीशूट करेंगे तो इनका बजट जो है वो डबल हो जाएगा एंड उसमें प्रोड्यूसर को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर वो लोग सिर्फ वीएफएक्स पे वर्क करते हैं तो यहाँ पे अगर वीएफएक्स वो लोग सही भी कर लेंगे तो राम जी का जो कैरेक्टर है या फिर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो आप लोग को वैसे ही देखने को मिलेंगे जैसे अभी देखने को मिल रहे हैं। तो एट द एंड बात वहीं आके फंस जाती है कि मेकर्स ने बेसिक से गलत करे थे एंड उन लोग को अगर इस मूवी को बनाना था तो या तो वे उसको ये फिक्शनल वे में बनाते जिससे कि लोगों को लगता कि हाँ चलो रामायण से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने स्टोरी बनाई है, बट अगर आप रामायण बना रहे हो देन आप लोगों को शायद बेसिक से स्टार्टिंग से ही राइट रखने चाहिए थे। अदरवाइज अभी कंटी ये मूवी बहुत ज्यादा मेस में फंस चुकी है, मे बी शायद आप लोग को मूवी अब जनवरी में देखने को ना मिले, क्योंकि भाई अभी करंटली कुछ रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग ये मूवी आप लोग को 5 से 6 महीने पोस्टपोन्ड होते हुए देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर भाई मेकर्स इस मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा और एक्स्ट्रा वर्क करेंगे एंड आप लोग को जो वीएफएक्स वर्क देखने को मिलेगा वो शायद पहले से और अच्छा एनहेंस होकर देखने को मिल सकता है। ऑल्दो भाई अभी करंटली इसकी रिलीज के चेंज के रिगार्डिंग मेकर्स प्लस इसके जो डायरेक्टर है ओम राउत, उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। इनफैक्ट अभी आज के टाइम पे उन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट भी डाली थी जहां पे उन्होंने आदि पुरुष की जो रिलीज है उसको भी 12 जनवरी ही मेंशन करा है। सो अभी करंटली तो इस मूवी की ऑफिशियली रिलीज को चेंज नहीं करा गया है, बट बताया जा रहा है कि आप लोग को बहुत जल्द मेकर्स की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर सुनने को मिलेगा एंड वो अपडेट मैं आप लोग को भाई फ्यूचर में इन्फॉर्म भी कर दूंगा। ऑल्दो मेकर्स को भी इस मूवी के वीएफएक्स पे तो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है एंड ये चीज भाई फैंस लोग भी बोल रहे हैं, तो अगर वो लोग वीएफएक्स को थोड़ा अच्छा कर लेंगे देन थोड़े बहुत चांसेस बनेंगे कि ये मूवी आप लोग को बॉक्स ऑफिस पे डिसेंट कलेक्शन करते हुए देखने को मिल जाए। प्लस इस मूवी को ओवरसीज भी रिलीज होना है एंड मैं तो भाई बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि इस वीएफएक्स के साथ ये मूवी ओवरसीज रिलीज हो, थोड़ा तो भाई मेकर्स को अच्छा करना ही चाहिए। प्लस इसके साथ ही जो भाई उन लोगों ने गड़बड़ी करी है वो तो सही नहीं हो सकती है। अब देखते हैं ये मूवी रिलीज होने देते हैं भाई बाकी के जो संस्था वाले हैं या फिर इस मूवी को बैन ही कर दिया जाता है या फिर इस मूवी की रिलीज को पोस्टपोन करा जाता है। आगे जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग के क्या थॉट है आदि पुरुष मूवी के ऊपर कि इसको भाई थिएटर में रिलीज करना चाहिए या फिर मेकर्स को और भी ज्यादा वर्क करना चाहिए? अपने थॉट्स को भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देना। बाकी अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।